जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जेल की सलाखों के पीछे बंद पहलवान सुशील कुमार की खास निगरानी रखी जा रही है। इस वजह से क्योंकि कई सारे गैंगस्टर उसकी जान लेना चाहते हैं, ऐसी बात सामने आई थी। सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद से ही वो बुरी मुसीबत में फंसा है, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे से एक बड़ी खबर सामने आई है कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर हत्या मामले में तिहाड़ जेल में पहुंचे पहलवान सुशील को JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के बगल वाले सेल में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, उमर खालिद का मामला भी काफी चर्चाओं में आया था, यानी कि इनको एक ऐसे ही तबके के तरफ भेजा गया है जहां पर हाई प्रोफाइल केसेस सामने आते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो कि दोनों की आपस में दोस्ती हुई है या नहीं, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये खबर है कि सुशील को वहां पर किसी से मिलने नहीं दिया जाता और सुशील की बैरिकेड के पास किसी को भटकने नहीं दिया जाता। वहां पर पुलिसकर्मी और CCTV फुटेज से उस पर निगरानी रखी जाती है। इस समय सुशील कुमार तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट किए जा चुके हैं। मंडोली जेल से निकाल के 9 जुलाई तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, तब तक उन पर निगरानी रहेगी। उसके बाद क्या होता है, केस में आगे क्या मामला सामने आता है, ये बात भी सामने आनी बाकी है, क्योंकि कोर्ट का फैसले का इंतजार सभी को है कि सागर धनखड़ हत्याकांड में क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस समय सुशील कुमार का पड़ोसी उमर खालिद बना हुआ है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।